हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका बालशाला की प्रमुख विशेषताएं। देखिए गर्ल्स, जो आपका नर्सरी स्कूल एजुकेशन का टॉपिक है, इससे पहले हमने जो जो टॉपिक कवर किए, बालशाला नर्सरी स्कूल एजुकेशन क्या होती है, इसकी क्या क्या जो उद्देश्य होता है और बालशाला में कौन कौन से उपकरण होते हैं, इस टॉपिक पे हमने बात की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है गर्ल्स आपका बालशाला की प्रमुख विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सरी स्कूल, यानी कि जो एक नर्सरी स्कूल होता है, एक बालशाला होती है, वो क्या क्या विशेषताएं लिए होता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि जो बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था वहाँ हो सके। देखिए बालशाला या नर्सरी स्कूल की बात करें तो एक जो नर्सरी स्कूल है या नर्सरी स्कूल शिक्षा जो है वो एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा होती है, जहाँ पर बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए उसको अलग अलग तरह से खेल के माध्यम से बहुत सी व्यावहारिक बातों का ज्ञान उसमें कराया जाता है। अगर बालशाला या नर्सरी स्कूल को देखा जाए तो उसकी जो शिक्षा होती है वो पूरी रूप से अनौपचारिक होती है, इस पर बच्चों के ऊपर कोई भी पढ़ाई का बोझ नहीं होता है, कोई बच्चों के ऊपर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती है कि आपको इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। वहाँ पर सिर्फ खेल खेल के माध्यम से बच्चों को बहुत से क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं और उनके लिए इस तरह का वातावरण बनाया जाता है, इस तरह का वातावरण उनको दिया जाता है कि बच्चे का जो विकास है, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास और साथ ही उनका जो व्यक्तिगत विकास है, उनका जो व्यक्तिगत विकास है वो अच्छी तरह से हो सके। तो अब बात करते हैं कि बालशाला की विशेष प्रमुख विशेषताएं। देखिए बालशाला की प्रमुख विशेषताओं में एक आदर्श बालशाला जिसको कहा जाता है, वहाँ पर बालकों की देखरेख, शिक्षण में खेल खिलौने तथा विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अर्जित होने वाले अनुभवों को आधार बनाया जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो नर्सरी स्कूल एजुकेशन है वो एक तरह से बच्चों को खेल खेल के माध्यम से वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको बहुत से क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं ताकि वो ज्ञान अर्जित कर सके। तो एक आदर्श बालशाला में बालकों की पूर्ण रूप से देखरेख होनी चाहिए और वहाँ पर जो शिक्षण दिया जाना चाहिए बच्चों को वो इस तरह का दिया जाना चाहिए कि बच्चा खेल खेल के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सके और साथ ही बहुत से व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर उनको ज्ञान दिया जाता है। बालक के स्वस्थ एवं सर्वांगीण शारीरिक, सामाजिक तथा चारित्रिक विकास के लिए खेल खिलौने तथा विभिन्न उपकरणों एवं व्यावहारिक क्रियाकलापों का व्यापक प्रभाव एवं महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। देखिए एक नर्सरी स्कूल में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे कि शारीरिक है, सामाजिक है, मानसिक विकास है, उनका व्यक्तित्व विकास है, इन सबके लिए ही वहाँ पर आवश्यक मात्रा में सभी प्रकार के खेल खिलौने उपलब्ध होने चाहिए, विभिन्न उपकरण उपलब्ध होने चाहिए, साथ ही उनको व्यावहारिक क्रियाकलाप, यानी कि जब बच्चा कोई भी कार्य को किसी भी सामग्री से, वस्तुओं से कार्य करता है तो वो उसको जीवन भर याद रहता है। तो इसी तरह से बालशाला में विभिन्न प्रकार के खेल खिलौने हैं, बहुत से उपकरण हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो बच्चों को, जो बालिकाएं होती हैं, जो जैसे कि उनको गुड्डे गुड़ियों के सारे खिलौने उनको दिए जाते हैं, उनका बिस्तर, उनका घर, उनकी जो रसोई का सारा सामान है, तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चा जब जो बालिकाएं होती है वो खेल खिलौने से, गुड़ियों के सामान से खेलती है तो उन्होंने उनको एक घर को व्यवस्थित करने का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरह से जो बॉयज होते हैं, बालक होते हैं, उनको अगर इक्विपमेंट्स दिए जाएं, जैसे कि विज्ञान से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, क्राफ्ट है या फिर इस तरह के कोई टूल्स हैं जिससे वो हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, बहुत से और भी ब्लॉक्स को जोड़कर बहुत से सामान बना सकते हैं, जो क्या होता है कि जो उनके नॉलेज को बढ़ाते हैं, जो उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। यही हो गया कि व्यवहारिक क्रियाकलाप के उन खेल खिलौनों से, उन उपकरणों से वो अपने जो ज्ञान, अपनी जो सीखने की क्षमता है व्यवहारिक क्रियाकलापों के द्वारा से उनमें वृद्धि कर सकते हैं और व्यापक प्रभाव एवं महत्वपूर्ण उपयोग उनका किया जा सकता है, क्योंकि इस उम्र में, इस आयु में बच्चा जो सीखता है
वो उसको अपने व्यवहार में लाकर उसको जीवन भर उसको याद रखता है। तो बालशाला में खेल खिलौनों का और विभिन्न उपकरणों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। द नेक्स्ट है, एक आदर्श बालशाला की विशेषता यह भी होती है कि बालशाला का भवन प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त खुले वातावरण में स्थित हो। देखिए, काफी हद तक ये जो बालशाला की विशेषता है, ये मुख्य रूप से क्या है कि जो बालशाला होती है, नर्सरी स्कूल होते हैं, वो खुले वातावरण, ताकि बच्चों को प्रकृति से अवगत कराया जा सके, उनको बताया जा सके कि खुला वातावरण क्या है, प्रकृति क्या है, पेड़ पौधे क्या है, और नेचर से संबंधित सारी चीजों का उन्हें ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कि अगर बच्चा प्राकृतिक सौंदर्य, अगर बच्चा जो है वो खुले वातावरण में उसको शिक्षा दी जाएगी, उसको सिखाया जाएगा और बच्चा काफी समय वहाँ पर खुले वातावरण में बिताएगा, तो क्या होगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। साथ ही शारीरिक, जो बच्चों को खेल कूद के माध्यम से जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए भी खुले वातावरण में स्थित खुली स्वच्छ हवा है, धूप है, ताकि बच्चे को प्रदान हो सके। और साथ ही बालशाला में खुले बड़े खेल का मैदान भी होना चाहिए, ताकि वहाँ पर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कर सके, जिससे उसका शारीरिक विकास अच्छी तरह से हो सके। तो एक आदर्श बालशाला में बच्चों को काफी हद तक खुले वातावरण में उनको बैठाया जाता है, पढ़ाया जाता है, खेल खेल के माध्यम से उनको सिखाया जाता है, यानी कि उनकी जो शिक्षा की पूरी व्यवस्था है वो एक तरह से खुले वातावरण में कराई जाती है, ताकि वो प्रकृति से अवगत हो सके। क्योंकि देखिए, इस आयु में बालक को बहुत सी जिज्ञासाएं भी होती है, बहुत सी बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि वो नेचर के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो ये काफी हद तक उसके लिए हेल्पफुल होता है, सहायक सिद्ध होता है कि बच्चे को प्रकृति से जोड़ा जाए, काफी ज्यादा से ज्यादा बच्चे को प्राकृतिक वातावरण से जोड़ा जाए, ताकि वो स्वास्थ्य के साथ साथ तो उनका जो है वो प्रकृति के बारे में समझ सके कि खुला वातावरण क्या है, स्वच्छ हवा क्या है। तो ये नेक्स्ट है, एक आदर्श बालशाला में कमरे के अंदर तथा कमरे के बाहर खेले जाने वाले खेलों की संतोषजनक व्यवस्था होती है। देखिए, जो नर्सरी स्कूल एजुकेशन की क्लासेस होती है, नर्सरी स्कूल की क्लासेस होती है, बालशाला की जो कक्षाएं होती हैं, उसमें कमरे के अंदर यानी कि कक्षाओं के अंदर और बाहर खेले जाने वाले खेलों की संतोषजनक व्यवस्था होती है। यानी कि जहाँ बालक जिन खेल खिलौनों का उपकरणों को यूज करता है, वहाँ पर उनकी एक समुचित व्यवस्था बच्चों को दी जाती है। हर एक बच्चे को अलग अलग तरह से खेल खिलौने वहाँ पर बच्चों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही शिक्षा देने वाले जो समस्त उपकरण है वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, यानी कि उनकी किसी तरह की कोई कमी ना हो। हर एक बच्चे पर जो शैक्षिक उपकरण है, शिक्षा देने वाले जो खेल खिलौने हैं, वो सभी बच्चों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। बालशाला में प्रत्येक 10 छात्र छात्राओं के समूह पर 2 शिक्षिकाएं अथवा 1 शिक्षक एवं शिक्षिका जाते हैं। देखिए, जो बालशाला होती है, नर्सरी स्कूल होते हैं, उसमें जो होता है ऐसा कि 10 छात्र छात्राओं के समूह पर, यानी कि जो 10 छात्र छात्रा है उनके ऊपर 2 शिक्षिकाएं नियुक्त की जाती है या होनी चाहिए, क्योंकि ताकि वो बच्चों पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सके, पूरी तरह से वॉच रख सके। अगर मान लीजिए 2 शिक्षिकाओं को 50 बच्चे दे दिए जाएंगे पढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, तो क्या वो उनको उनके ऊपर ध्यान दे पाएगी? नहीं। तो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो शिक्षिकाएं जो हैं, शिक्षक जो हैं, वो बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके, अधिक उनको ध्यान दे सके, उनकी कार्य विधियों पर ध्यान दे सके, उन पर वॉच रख सके, तो इसके लिए केवल 10 छात्र छात्राओं पर के समूह पर 2 शिक्षिकाएं अथवा 1 शिक्षक की को नियुक्त किया जाता है। और ये सभी जो शिक्षक और शिक्षिकाएं होती हैं, वो प्राथमिक स्तर पर निपुण तथा अनुभवी होते हैं। देखिए, जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, शिक्षक और शिक्षिकाएं होती हैं, उनको ही बालशाला में बच्चों को टीच करने के लिए, बालकों को ज्ञान देने के लिए उनको रखा जाता है। जैसे कि बीएड है, देखिए बीएड में जो हम बच्चों को क्यों बीएड कंपलसरी करा गया है कि जो प्राथमिक स्तर के जो स्कूल है, प्राइमरी शिक्षा है या आगे जाकर
क्योंकि बीएड जो एक ऐसा कोर्स है उसमें जो शिक्षक और शिक्षिकाएं होती हैं उनको अच्छी तरह से टीच किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बच्चों को छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है, उनको ध्यान दिया जाता है उन पर, और सभी तरह के जो बच्चों को शिक्षण यानी कि शिक्षण तकनीकी जो है, शिक्षण मेथड जो है, टीचिंग मेथड जो है, वो सब उनको ट्रेनिंग दी जाती है इससे संबंधित। द नेक्स्ट है गर्ल्स, बालशाला में आने वाले बालकों तथा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के मध्य घनिष्ठ आत्म संबंध होता है। देखिए जो बालशाला होती है वहाँ पर बालकों और शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में घनिष्ठ आत्म संबंध होता है। अगर इस तरह से नहीं होगा तो बच्चों का बालशालाओं में, नर्सरी स्कूल में जो बालक बालिकाएं हैं उनका जो टाइम स्पेंड करते हैं वो 3 घंटे 4 घंटे, तो वो उनके लिए बहुत कठिनाई होता है। तो आपस में जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और बालक बालिकाएं हैं उनमें एक आत्मीय संबंध होना अत्यंत आवश्यक है, और साथ ही बालकों को बालक और बालिकाओं को ये रियलाइज किया जाता है कि वो अपने घर से दूर या अलग है, अपने माता पिता से दूर या अलग है, उनको यह अनुभव नहीं होने दिया जाता। देखिए बालक और बालिकाओं को जब वो बच्चा नर्सरी स्कूल में आता है तो काफी हद तक ये कोशिश की जाती है कि बच्चे को अपने माता पिता की कमी महसूस ना हो, अभी अपने अभिभावक की कमी महसूस ना हो, इसलिए शिक्षक और शिक्षिका का बच्चों से बालकों से आत्मीय संबंध का होना बहुत आवश्यक होता है कि वो जो शिक्षक और शिक्षिका है वो उनकी समस्याओं को समझे, उनके व्यवहार पर ध्यान दे कि किसकी गतिविधि कैसी है। तभी अगर शिक्षक और शिक्षिका बालक और बालिकाओं की गतिविधियों पर उनके व्यवहार को जानने की समझने का प्रयत्न करेंगे तभी उनसे वो आत्मीय संबंध जोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उनके साथ जो उनके को कोई भी समस्या है तो उसको वो दूर कर सकते हैं। तो ये जो आत्मीय संबंध है शिक्षक शिक्षिका का बच्चों के साथ बालकों के साथ, ये होना अत्यंत आवश्यक होता है नर्सरी स्कूल शिक्षा के अंतर्गत। देन नेक्स्ट है गर्ल्स की, एक आदर्श बालशाला की विशेषता यह भी होती है कि जो बच्चों को जो सभी सुविधाएं दी जाई हैं वो अपने घरों में प्राय उनको नहीं मिल पाती है, जैसे कि बहुत सारे खिलौने हैं, हम उम्र साथियों का साथ है, खेलने का मैदान है, शारीरिक सामाजिक संवेदात्मक विकास को जो बढ़ाने में उनकी सहायता करता है। तो एक आदर्श बालशाला की जो हमने विशेषताओं के बारे में बात की कि यहाँ बच्चों को बहुत सी ऐसे उपकरण, बहुत से खेल खिलौने ऐसे उपलब्ध कराए जाते हैं कि जो बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। और बालशाला की मुख्य विशेषता यही मानी जाती है कि जब जो हमने ऊपर सारी विशेषताएं पढ़ी कि अगर एक बालशाला में सभी विशेषताएं हैं, खेल खिलौने हैं, उपकरण है, बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, बच्चों के व्यवहार को गतिविधियों को समझने में कोशिश की जाती है, साथ ही बच्चों को ये रियलाइज नहीं होने दिया जाता, ये अनुभव नहीं होने दिया जाता कि वे अपने माता पिता से थोड़ी देर के लिए दूर है, साथ ही बच्चों को प्राकृतिक वातावरण से जोड़ना, उनको स्वास्थ्य के प्रति उनके अंदर उनको जागरूक करना, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करना उनके अंदर, तो ये एक बालशाला की मुख्य विशेषताएं होती हैं। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ आपसे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।